वहां पर सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब नेशनल असेंबलीज या जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनको नहीं होना चाहिए, इनको डिबेटिंग क्लब से बियॉन्ड होना चाहिए। और वहां पर भी अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज, इसको हटाओ, उसको लगाओ, मुझे ले आओ, मुझे क्यों निकाला, अगर इसी के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा तो फिर जो आम लोग हैं, चाहे वो मर्द हों या खवातीन हों या बच्चे हों, उनके हकूक के ऊपर बात नहीं की जा सकती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक पे मैं जरूर बात करूं कि खवातीन को कहा जाता है कि वो रिजर्व सीट पे भी क्यों आए, उनको नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आना चाहिए, लेकिन खवातीन के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल रिसोर्सेज, जिस तरह से मर्द हजरात को फाइनेंसर्स अवेलेबल होते हैं, खवातीन को उस तरह से अवेलेबल नहीं होते। और खवातीन जनरल इलेक्शन में सिर्फ वही लड़के आती हैं जिनका एक फ्यूडल पोलिटिकल बैकग्राउंड है, जिनके मर्द ऑलरेडी पोलिटिकल सीट